पहली खबर, सीट पूरी, गठबंधन मजबूरी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय दल अपने राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता ने बुधवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है, हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता ने कहा है कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है, मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे और बंगाल में अकेले भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में बताया तक नहीं गया। वहीं दिल्ली में बुधवार को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुई आम आदमी पार्टी की मीटिंग में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने ले लिया है। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। जयराम रमेश ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ममता गठबंधन की प्रमुख पिलर है, उनके बिना इंडिया गठबंधन का कोई भी आधार नहीं है और तमाम तरीके की उन्होंने बातें कही हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या अन्य जो जो भी राज्य हैं वहां पर भी क्या पार्टियां इसी तरह खुलेआम बोल देंगी कि हम इतने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और फिर इंडिया गठबंधन का महत्व ही क्या रह जाएगा। तमाम प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों के पीछे अब पूरी सियासत, पूरे मीडिया की नजरें टिक गई हैं।